Hi everyone, a very good evening to all of you and welcome to my channel Technical Sunija. So guys, लेके आऊँ एक interesting video आप सभी लोगों के लिए. आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी website को payment gateway से integrate कर सकते हो बड़ी आसानी से. ठीक है. So जो मैं guys payment gateway use करने वाला हूँ वो है Instamojo, और आपने इसके बारे में सुना होगा. बहुत ही आसान है, और मेरा मानना ये है कि अगर आपने कभी भी payment gateway integrate नहीं किया है तो Instamojo आपके लिए बेटर ऑप्शन है समझने के लिए कि क्या एंड टू एंड फ्लो होना चाहिए और कैसे काम करता है. ये मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है अभी देखा मैंने, इसमें काम किया सीखा, और वही मैं आपसे सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. और अच्छी खासी एक हमारी प्लेलिस्ट बनेगी इसकी, जिसमें मैं आपको डेमोज दूंगा अलग अलग, और इस पूरी एपीआई को हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे Instamojo काम करता है. ठीक है, तो मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, फिर हम कोडिंग पर चलेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, कैसे इसके अंदर चीजें हैं, क्या होता है, पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है. एक जनरल एग्जांपल लेते हैं. आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, आप चेकआउट तक जाते हो, और फिर आप फाइनल जब पेमेंट करते हो, तो कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके रिक्वेस्ट के साथ जाते हैं, मतलब किसी थर्ड पार्टी के पास. मतलब थर्ड पार्टी का मतलब क्या है, पेमेंट गेटवे. आपका नाम, आपका प्रोडक्ट का नाम, आपका प्राइस, ऑर्डर आईडी, तो ये एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो जाते ही जाते हैं. ठीक है, तो यहां भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा अभी. ठीक है, तो मैं आपको डेमो दिखाता हूं. सो गाइज, ये है डेमो Instamojo पेमेंट. अभी यहाँ पे कुछ आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. मैं पूरा आपको एंड टू एंड फ्लो दिखाऊंगा कैसे काम कर रहा है, कैसे रिक्वेस्ट जाएगी, सब कुछ देखेंगे इसके अंदर. ठीक है, तो अभी क्या है गाइज कि ये जस्ट एक डमी है, और ये जो आप देख रहे हो ये डेटाबेस से नहीं आ रहे, ये स्टेटिक है. मैं भी कोडिंग पे आऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा आपको, बट अभी समझते हैं कैसे काम कर रहा है. ठीक है, और यहां पे बताना चाहूंगा कि इसको आप लोकल होस्ट पे नहीं चला सकते, इसलिए मैंने इसको लाइव किया है. मेरे पास एक वेब होस्टिंग थी मेरी, मैंने उस पर इस कोड को डाल दिया है, तभी आप ये देख पा रहे हो. ठीक है, अभी इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो क्योंकि हमने लाइव कर दिया है इसको. तो अगर मैं यहां पर सिंपल जींस पे सिलेक्ट करता हूं, प्राइस इसका 100 है, आईडी क्या है 100 है, तो अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूं तो ये कहां जाता है, ऑर्डर डॉट पीएचपी पे, और यहां पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, बैंक फीस और टोटल अमाउंट. तो जो मेरी बैंक फीस है वो भी हमने ऐड कर दी, दैट्स इट. तो यहां डालते हैं अपना नाम, और यहां पे नंबर डाल देते हैं कुछ भी. ठीक है, जस्ट एक रैंडम नंबर डाल दिया मैंने, और यहां पे डाल देते हैं अपनी ईमेल आईडी, जिस पे मुझे ईमेल वगैरह आए कि मेरा प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट के साथ प्रोसेस हुआ है. ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, क्लिक पे करता हूं. तो देखिए गाइस क्या होगा, जैसे मैंने किया क्लिक हेयर टू पे, तो ये देखिए गाइस, पेइंग टू टेकी लाइफ. तो मैंने ये Instamojo पे अपना अकाउंट क्रिएट किया है, मैं बताऊंगा कैसे क्रिएट होता है, क्या है, सारी बातें करेंगे. और यहां पे आ गया प्रोडक्ट का नाम, टोटल अमाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग. तो एक काम करते हैं, यहां पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पे अब ये मेरे से कार्ड डिटेल पूछ रहा है. अब आप सोचोगे यार कार्ड डिटेल कैसे दे दूं मैं अपनी, तो यहां पे गाइस अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो है टेस्टिंग. तो Instamojo आपको एक टेस्टिंग मोड देता है, एक प्रोडक्शन मोड देता है, तो ये टेस्टिंग के लिए है. और देखिए यूआरएल, देखिए test.instamojo.com. तो कभी कभी क्या होता है कि आपको चेक करना होता है कि आपकी वेबसाइट पे सही से पेमेंट जा रही है, आ रही है. तो जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आप पहले टेस्ट करना चाहोगे कि आपकी यार कैसे पेमेंट रिक्वेस्ट जाएगी आएगी. तो हमेशा जो भी कंपनीज होती है वो आपको एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं. तो Instamojo भी आपको एक टेस्टिंग आपको यूआरएल देता है, और सारा काम जो भी आप यहां देख रहे हो जैसा आपको लाइफ पे दिखेगा वही आपको चीजें यहां भी दिखेंगी. बट ये है कि पेमेंट नहीं होगी यहां पे, मतलब रियल पेमेंट नहीं होगी, आपके बैंक से पैसे नहीं कटेंगे. तो मेरे पास यहां पे डमी कार्ड डिटेल्स है जो मैं आपको दिखाता हूं अभी. ये देखिए 4242 जस्ट आपको ये डालना है. टेस्टिंग एक तरीके से टेस्टिंग टेस्ट डेटा है, तो ये डाल लेते हैं यहां पे. और एक्सपायरी क्या है, एक्सपायरी है 01 और 20, और CVV क्या है मेरे पास 111. पे करते हैं, देखिए तो जैसे ही मैंने पे पे क्लिक किया एक पॉपअप हो रहा है मेरे पास, और यहां पे देखिए अब मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड भी मेरे पास है जो कि है ये रहा. तो ये टेस्टिंग है, तो ये टेस्ट डेटा है गाइस, यहां पे डालिए और सबमिट कीजिए. तो जैसे ही गाइस मैंने सबमिट किया, तो थैंक यू, पेमेंट सक्सेस, पेमेंट आईडी, नेम, प्रोडक्ट नेम, पेमेंट नेम क्या है अजय, ईमेल आईडी ये रही, और इसने पूरा आपको एरे दे दिया.
तो गाइज इसी एरे में से मैंने तीन चीजें डिस्प्ले करवाई है, आपको जो सही लगे, आपको अमाउंट चाहिए, आपको स्टेटस चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हो, या फिर इन्हीं डिटेल को आप डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ये आपके ऊपर है। तो ये पूरा आपको इसने क्या किया, देखिए कहां गए हम, थैंक यू डॉट पीएचपी पे। तो थैंक यू डॉट पीएचपी में क्या मिला मुझे, ये पूरा एरे मिला। अब मेरी मर्जी, मैं इस एरे को डेटा इसमें स्टोर करवाऊं, जो करना है वो करूं, ठीक है। बायर का नाम है, फोन नंबर है, ईमेल है, सब कुछ है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे शिपिंग एड्रेस भी था, वो हमने दिया नहीं था एक्चुअली, तो इसलिए वो आ नहीं रहे यहाँ पे। तो जैसे आप डिजाइन करोगे अपनी वेबसाइट को, उस तरीके से आप पास करोगे वैल्यू। अब वो कैसे पास करेंगे मैं आपको सब बताता हूँ अभी, ठीक है गाइस। सो गाइस ये था इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे का डेमो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ईमेल पे। तो देखिए गाइस मुझे एक एक करके सब ईमेल आया। पहले ईमेल क्या आया, अजय सुनेजा 25 हैज रिक्वेस्टेड टू पे दिस, तो आपको ये मेल भी कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट की नहीं तो आपको मेल आ जाएगा, आप यहां से ही पे करोगे तो आपको सीधा ले जाएगा पेमेंट पे, ठीक है। उसके बाद एक और मेल आया, तो ये देखिए 75 रुपीज, ये अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, पेमेंट आईडी ये है, जिंस ली है, नेम अजय है, ईमेल आईडी दिस है, फोन नंबर इस बंदे ने लिया है, ठीक है। एक्चुअली जो ये आईडी आप देख रहे हो, जो मैं ईमेल आईडी यूज कर रहा हूं, मैंने अपना अकाउंट जो इंस्टामोजो बनाया इसी आईडी से बनाया है, ठीक है। तो मुझे आईडी मिल गई, और यहां पे देखिए You have paid this amount complete. सारी डिटेल आपको दिखेगी, देखिए देख रहे हो आप। तो पूरा आपको ईमेल आएगा, और आपने देखा होगा नॉर्मल आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे परचेस करते हो तो आपको ऐसे ईमेल्स आते हैं, आपका ऑर्डर नंबर एंड ऑल, आपको सब कुछ ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है गाइस। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको अच्छे से गाइस। अब मैं लेके चलता हूँ कोडिंग पार्ट पे, बट कोडिंग पार्ट से पहले हम समझते हैं कि इंस्टामोजो क्या है, ठीक है। सो गाइज व्हाट इज इंस्टामोजो, इंस्टामोजो इज एन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जस्ट लाइक पेपोल अदर पेमेंट गेटवे विच अलाउ यूजर टू सेंड रिसीव पेमेंट थ्रू मेनी ऑनलाइन ऑप्शंस लाइक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एंड यूजिंग इंस्टामोजो इट्स इजियर टू सेंड रिसीव पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है। इंस्टामोजो अलाउ अस टू इंटीग्रेट द चेकआउट सिस्टम इन द वेबसाइट एप्स एलसेट्रा फॉर फास्टर एंड इजियर चेकआउट, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा कैसे, इतना आसान है ये गाइज। इंस्टामोजो कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है, आप ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, इट्स नॉट फेक। यू कैन रिसीव पेमेंट फॉर एनी प्लेस, सेंड पेमेंट टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, गाइस यहाँ पे क्या है, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू। तो यहाँ पे क्या है, एक यूआरएल मिलता है आपको प्रॉपर, तो यहाँ पे अगर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जो आपको डिटेल मिलेगी वो एकदम ऑथेंटिक और वैलिड डिटेल होगी, क्योंकि टेस्टिंग एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहा। बट अगर आपको टेस्ट करना है, आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट कैसे बिहेव करती है, तो यहाँ पे आपको मिलता है test.instamojo.com फॉर क्रिएटिंग द अकाउंट ऑन टेस्ट सैंडबॉक्स वेबसाइट टू टेस्ट कैसे एपीआई काम करेगी, कैसे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, आपकी वेबसाइट से वैल्यू सही जा रही है नहीं जा रही है। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप इस यूआरएल पे जाओगे, ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको प्रॉपर ढंग से चाहिए, हाँ भाई अब मैं मेरी वेबसाइट एकदम ठीक है, तो आप यहाँ अकाउंट बनाओगे, ठीक है। तो हमने कहाँ अकाउंट बनाया, हमने अकाउंट बनाया यहाँ पे अभी, ठीक है। उसके बाद क्या और चीजें बताता हूँ मैं आपको। तो इंस्टामोजो डज नॉट अलाउ लोकल होस्ट, आप लोकल होस्ट पे इसको टेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको उसके लिए यू नीड टू हैव एन ऑनलाइन सर्वर, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको अकाउंट कैसे बनाया जाता है, तो चलते हैं गाइस इंस्टामोजो पे। सो गाइस ये है वेबसाइट इंस्टामोजो की, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है test.instamojo.com, तो ये टेस्टिंग एनवायरमेंट है। और एक बार लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे, मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया, आप भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, आप लॉगिन दे जीमेल कीजिए। और ये देखिए मैं आगे डैशबोर्ड पे, तो सिंपल रजिस्ट्रेशन है, कुछ ज्यादा कोई टफ नहीं है। और यहाँ पे गाइस देखिए टोटल अमाउंट आ रहा है मेरा जो पेमेंट वाला है, जस्ट ये टेस्टिंग है और कुछ नहीं है, ये मेरे अकाउंट में नहीं आया पैसे। और ये तीन ट्रांजैक्शन है, अभी 7 मिनट पहले हमने एक ट्रांजैक्शन की है जो मैंने अभी आपको डेमो दिया, और बायर का नाम है अजय और ये अमाउंट है। और मेरा जो अकाउंट का नाम है जो आप देख रहे हो टेकी लाइफ, जो आपने देखा होगा जब मैंने पेमेंट की थी उस टाइम पे लिखा था कि आप पेमेंट टेकी लाइफ को कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और भी बहुत सारी चीजें उन पर आऊंगा मैं, बट अभी जो मेन चीज़ें समझने वाली वो समझते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं गाइस पेमेंट लिंक पे, एपीआई पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको मिलता है प्राइवेट एपीआई की, प्राइवेट ऑथ टोकन और प्राइवेट सॉल्ट, ये तीनों चीजें आपको अपनी एपीआई में यूज करनी पड़ेंगी जो इंस्टामोजो की एपीआई है, तभी आप टेकी लाइफ में पेमेंट ले पाओगे। तो ये बहुत, मैं बहुत साधारण भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपको डालनी होंगी, कैसे डालनी होंगी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है चलो।
सो इंस्टामोजो हैज़ टू डिफरेंट वेबसाइट जिसके ने बताया लाइव प्रोडक्शन और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, तो हम टेस्टिंग पर्पज़ यूज़ कर रहे हैं, और प्राइवेट एपीआई की है, ओथ टोकन है और सॉल्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो देखो आप जो देख रहे हो कार्ड नंबर, ये टेस्टिंग का, ये टेस्ट डेटा है टेस्टिंग वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, webhook.php ओपन करना है। तो चलते हैं गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ डेमो। तो और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखिए जो इंपॉर्टेंट फाइल है, जो इंस्टामोजो की फाइल है, देखिए मैंने src और instamojo.php को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, और हमें जाना है webhook.php पे। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं और चले गए इस फाइल में। अब हमें कहाँ जाना है देख लेते हैं एक बार। लाइन नंबर 20, रिप्लेस योर प्राइवेट सॉल्ट। ठीक है, चलते हैं लाइन नंबर 20 पे, ये देखिए। सो गाइस देखिए, लाइन नंबर 20 पे आ गए हम, और यहाँ पे हम डाल देंगे अपनी सॉल्ट की। तो ये देखिए प्राइवेट सॉल्ट की है जो मेरी, येरी ये मैंने डाल रखी है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, अब चलते हैं आगे। उसके बाद योर प्राइवेट सॉल्ट एंड लाइन नंबर 28, चेंज योर ईमेल एड्रेस। तो चलते हैं लाइन नंबर 28 पे। तो यहाँ पे गाइस मैंने अपनी डाल दी ईमेल आईडी, जिस पे मुझे मेल आएंगे कि भाई ये बायर परचेस कर रहा है, ये आपकी ट्रांजेक्शन हो गई, आपके बैंक में पैसे आ गए एंड ऑल। तो यहाँ हमने डाल दी अपनी ईमेल आईडी। तो ये कंप्लीट आप देख रहे हो, ये वेबसाइट पेमेंट रिक्वेस्ट, ये पूरा आपको मेल में दिख भी रहा है अभी, मैंने आपको दिखाया था अभी। ये देखिए टेबल फॉर्म में आ रहा है, देख रहे हो आप ये सारा। तो ये webhook.php में आपको ये पूरा मेल भेजने के लिए प्रोसेस है पूरा। ठीक है, पर यहाँ पे आपको क्या करना है webhook.php में, तो यहाँ पे webhook.php में आपको लाइन नंबर 20 पे आपको प्राइवेट सॉल्ट की डालनी है जो मैंने यहाँ पे डाल रखी है, और आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। तो ये दो काम करने हैं आपको webhook.php में। ठीक है गाइस, सो गाइस पहला काम था webhook.php में लाइन नंबर 20 पे हमने अपनी सॉल्ट की डाल ली और अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर दिया, जिसपे हमें अपडेट्स आएंगे कि हाँ ये यूजर ने परचेज किया है एंड ऑल, वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे, पेमेंट रिसीव होती रहेगी। ठीक है, अब आते हैं हम pay.php पे, लाइन नंबर चलते हैं 11 पे। तो पे वाली फाइल ओपन कर लेते हैं, और लाइन नंबर 11 पे हमने क्या करना है ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हमें क्या अपडेट करना है, यहाँ पे हमें अपडेट करना है आपकी प्राइवेट एपीआई की और प्राइवेट ऑथ टोकन, दोनों चीज आपको अपडेट करनी है। चलते हैं गाइज यहाँ पे, और लाइन नंबर देखिए आपकी प्राइवेट की और आपकी ऑथ टोकन जो कि है ये रहा। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे अपडेट कर दी है, प्राइवेट की और ऑथ टोकन। तो pay.php में आपको दो चीज अपडेट करनी है, एक ये और एक ये, और आपका यहाँ जो URL रहेगा वो टेस्ट URL रहेगा, अभी आप टेस्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है गाइस, क्लियर है। उसके बाद हमें क्या करना है, एंड लाइन नंबर 24 और 25 चेंज योर पाथ। चलते हैं 24 और 25 पे, ये रही। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, 24 पे क्या करना है, आपको अपना डोमेन देना है जिस डोमेन पे आपने होस्ट किया है। तो मैंने किस पे होस्ट किया है, मैंने होस्ट किया है t.2k16.com। तो देखिए t.2k16.com/thankyou.php, तो ये ऐसी रहेगा, आपको अपना URL देना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको URL देना है, क्लियर है गाइस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, सिंपल है, इतना काम कर दिया। चलते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ सेटअप कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद नाउ ओपन thankyou.php, डू द सेम ऑन लाइन नंबर 39। चलते हैं thankyou.php पे, और लाइन नंबर 39 पे आपको अपनी डालनी है प्राइवेट की, ऑथ की, और यहाँ पे आपको डालना है अपना टेस्ट URL। बस इतना काम करना है और कुछ भी नहीं करना, और इतना काम करने के बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने सर्वर पे डाल देना है। तो मैंने क्या किया, फिर अपना मैंने अपनी होस्टिंग खोली और यहाँ पे अपने पूरी फाइल्स को डाल दिया, और मैंने कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। इतना करने के बाद मैंने हिट करवाया URL, मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलता है, फिर वही सब, मैंने बाय नाउ पे क्लिक किया, उसके बाद कुछ डिटेल्स डाली, फिर ये थर्ड पार्टी इंस्टा मोजो पे गया, पेमेंट प्रोसेस हुई, और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मुझे पेमेंट दिख भी रही है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डैशबोर्ड पे, तो मुझे यहाँ पे पेमेंट दिख भी रही है, कितनी मुझे पेमेंट रिसीव हो गई है, और मुझे ईमेल पे भी अपडेट मिल गया। ठीक है गाइस, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें हमने अभी देखी, अब मैं लेके चलता हूँ आपको कोड पे। तो ये जस्ट एक डेमो क्रिएट किया गया है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये प्रोडक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, कोई डायनेमिक प्रोडक्ट नहीं है, डेटाबेस से नहीं आ रहे हैं, बट आपके केस में डेटाबेस से आएंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया है, जो फर्स्ट फाइल है मेरी वो है index.php। तो यहाँ पे गाइस देखिए, तो यहाँ पे सिंपल स्टैटिक डेटा डाल रखा है, देख रहे हो आप, इंस्टा मोजो H1
देखिए डिटेल्स जेंस ये देख रहे हो आप, ये खाली स्टैटिक डेटा है, डेटाबेस से नहीं आ रहा। बट हाँ, जो ये बटन आप देख रहे हो, इस बटन में क्या किया देखिए, जैसे मैं कर्सर लेकर जाऊंगा यहाँ पे देखिए कुछ कॉर्नर में कुछ आएगा, क्या आ रहा है, ऑर्डर डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क आई डी 100। तो हमने क्या किया, जो स्टैटिक डेटा है हमने एक ऑर्डर डॉट पी एच पी क्या भेज रहे हैं, आई डी भेज रहे 100, और यहाँ पे आई डी क्या भेज रहे 101 102। तो ये जस्ट एक स्टैटिक है, हम बस कोशिश कर रहे हैं कि पेमेंट गेटवे से हम कैसे इंटीग्रेट करें। तो अब आपके केस में क्या होगा, सारा डेटा डायनेमिक आएगा, तो आप उस तरीके से सोचोगे और अपनी वैल्यूज को पास करोगे थर्ड पार्टी पे, थर्ड पार्टी मतलब पेमेंट गेटवे पे, और उस तरीके से वो प्रोसेस होगी। ठीक है गाइस, क्लियर है, मैं बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ये सब चीजें। तो अब चलते हैं ऑर्डर डॉट पी एच पी पे। अब जैसे ऑर्डर डॉट पी एच पी पे आते हैं तो हमें क्या मिलता है, आई डी मिलती है। अगर आई डी 100 के मैच होती है तो क्या किया हमने, एक प्रोडक्ट नेम दिया है जींस मैन, और ये देखिए क्या है, हैश 100, प्राइस 100, और हमने फी कैलकुलेट की, टैक्स निकाला और प्लस कर दिया टोटल। ठीक है, अगर 101 के मैच होती है तो हमने फिर ऐसा कुछ किया, और फिर अगर 102 के मैच होती है तो हमने कुछ ऐसा किया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और फिर देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, जैसे क्लिक किया हम कहाँ गए, ऑर्डर डॉट पी एच पी पे आई डी क्या गई 100, तो हमें सब मिल गया, कौन सा केस मैच हुआ, ये मैच हुआ। तो ये डिटेल हमने कहाँ डिस्प्ले कराई, फिर यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करवाया, प्राइस डिस्प्ले कराया, जो कहां से कैलकुलेट हुआ है, यहां से प्रोडक्ट नेम प्राइस फीस प्रोडक्ट प्राइस, देखिए टोटल आ गया प्रोडक्ट प्राइस, दैट्स इट, और योर पेमेंट डिटेल्स। अब कहां देखिए, एक फॉर्म है ये, यहां पे क्या पूछ रहा है मेरे से, देखिए यहां पे दो हिडन फील्ड है, क्या पास किया है, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस। अब आपसे पूछ रहा है, देखिए ये तो सिंपल हमने प्रिंट करवा दिया, अब यहां पे हमसे नेम पूछ रहा है, फोन नंबर पूछ रहा है, ईमेल पूछ रहा है। ठीक है, बट ध्यान से देखिए एक चीज बहुत जो इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे दो हिडन फील्ड भी है, तो एक तरीके से हम क्या पास कर रहे हैं, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस, और फिर आपसे नाम पूछ रहे हैं, फोन नंबर पूछ रहे हैं, ईमेल पूछ रहे हैं। जैसे ही आप सबमिट करोगे, देखिए ये सबमिट आप देख रहे हैं, लिखा रहा है यहाँ पे 105 टोटल प्राइस लिखा रहा है, तो यहाँ पे इको करवा रखा है ये। बस जैसे आप सबमिट करोगे तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा पे डॉट पी एच पी पे। चलते हैं पे डॉट पी एच पी पे, तो यहाँ पे हमें क्या रिसीव हुआ, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस, बंदे का नाम, फोन नंबर, ईमेल। अब आपकी मर्जी है, जो आपको भेजना हो भेजते रहना, जो भी आपको भेजना हो। बस उसके बाद गाइज मैंने बताया हमने यहाँ पे एसआरसी है, और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इंस्टा डॉट मोजो हमारे पास एक क्लास है, तो ये क्लास है, देखिए यहाँ सारे मेथड्स हैं जो आपको एंटरटेन करते हैं आपकी रिक्वेस्ट को भेजने में, वहां से रिस्पॉन्स आएगा और उसे रिस्पॉन्स को कहाँ भेजना है, तो यहाँ सारे मेथड्स मिलेंगे आपको इंस्टा मोजो डॉट पी एच पी में। ठीक है, चलते हैं पे डॉट पी एच पी वापस, सारी वैल्यूज हमें मिल गई हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे इंक्लूड करवाया अपने इंस्टामोजो डॉट पी एच पी को, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट पे हमने एक फंक्शन कॉल किया पेमेंट रिक्वेस्ट क्रिएट, कि भाई अब मुझे पेमेंट तो करनी है, एक रिक्वेस्ट क्रिएट की जाए। तो हमने एक एरे बनाया, क्या पास किया, प्रोडक्ट नेम प्राइस नेम फोन नंबर ईमेल सब पास कर दिया। ठीक है, और कहाँ जाएगा ये, अगर सब कुछ ठीक होता है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, थैंक यू डॉट पी एच पी पे। ठीक है, बस गाइस सिंपल, उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी जैसा कि आप देख रहे हो, मैं डिटेल डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, और ईमेल आई डाल देते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने पे मुझे ईमेल आएगा, क्लिक करने पे हमें ईमेल रिसीव होगा, देखिए आ गया। देखिए आ गया मेल कि प्लीज पे, अब देखिए आ गया। फिलहाल अभी ईमेल आईडी मैंने सेम डाल रखी है, अगर कोई और ईमेल आईडी डालूंगा तो वहां पे ऐसा कुछ आएगा, प्लीज पे जेंस, और ये पूरा आप देख रहे हो। तो बस उसके बाद वहां से जो भी रिस्पांस आएगा जब पेमेंट हो जाएगी, तो गाइज हम जाएंगे थैंक यू डॉट पी एच पी पे, और उसके बाद आपको जो मैंने दिखाया था अभी, पेमेंट आईडी डिस्प्ले हो रही है, पेमेंट नेम डिस्प्ले हो रहा है, पेमेंट ईमेल डिस्प्ले हो रहा है, पूरा रिस्पांस हमने यहाँ पे एरे को प्रिंट करवा रखा है। मैं दिखाता हूँ एक बार, आपको ज़्यादा क्लियर कर पाओगे आप। डेबिट कार्ड करते हैं 42424242424242, और एक्सपायरी क्या थी, एक्सपायरी है इसकी 01 20, सीवीवी था आई थिंक 11111। देखिए पे किया, और पासवर्ड क्या है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सबमिट करते हैं। तो देखिए आगे थैंक यू डॉट पी एच पी क्या डिस्प्ले हो, पेमेंट आईडी, पेमेंट नेम, पेमेंट ईमेल। तो गाइज ये पूरा एरे ही है, यहीं से ही मैंने निकाला है पेमेंट आईडी, पेमेंट नेम और पेमेंट ईमेल। आपको जो और सही लगे आप लेके आओ और उसको डेटाबेस में इंसर्ट करवा दो, सिंपल। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये गाइज था कंप्लीट डेमो, मैं उम्मीद करता हूँ कि डेमो आपको अच्छे से क्लियर होगा कैसे पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट किया जाता है। आप कोई और पेमेंट गेटवे भी यूज करोगे ना, जैसे कि पेपोल है,
ठीक है, वर्ड पे है, वहां भी ये सब चीजें होती है, वहां भी आपको कुछ सिलेक्टिव एट्रीब्यूट्स पास करने होते हैं, फिर वहां से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो गाइज ये था कुछ खास, और वो रिस्पॉन्स को आप अपने डेटा इसमें स्टोर करवाओ कि पेमेंट सक्सेसफुल हुई है नहीं हुई है। सो देखिए गाइज मुझे ईमेल भी रिसीव हो गया है यहाँ पे, देख रहे हो आप, और ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज, देख रहे हो आप, पेमेंट आईडी, बायर नेम, पूरा आपको पीडीएफ मिलता है, बस सिंपल क्वांटिटी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ डैशबोर्ड ऐप, ठीक है, अब आप सोच रहे हो यहाँ ट्रांजेक्शन 3 अभी अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो गाइज ये था कैसे आप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपके पास अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, आप यहाँ पे खुद का प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, और ऐड करने के बाद एक प्रोडक्ट, अच्छा खासा प्रोडक्ट नेम डालो, आप टाइटल डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, फोटोज डालो, प्राइस डालो, और उसको ऐड कर दो, तो आपका एक कस्टम स्टोर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और आपकी सारी पेमेंट आपकी रिसीव होंगी, आप वो सब चीज़ें कर पाओगे जो आप नॉर्मल अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में करना चाहते हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हैं, मुझे बेचने हैं, मुझे सेल करने हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स डाल सकता हूँ, और उनका फिर लिंक मैं व्हाट्सएप पे जहाँ चाहे शेयर करूँ, और लोग वहाँ से खरीदेंगे और मेरे अकाउंट में वॉलेट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। ये नहीं है कि आपके पास अपना ई कॉमर्स होगा तभी आप ये काम कर पाओगे, नहीं, तो आपको ये फैसिलिटी भी ये देता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इन सब के मैं वीडियोस आपको दूं, और हम अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएं पेमेंट गेटवे एक्चुअली कैसे काम करता है। ठीक है, ये तो एक जस्ट एग्जांपल था, मैंने पूरा तैयार किया और आपको बताया, आप उसको हमने लाइव किया, और मैं पूरी डॉक्यूमेंटेशन इसमें कवर करूंगा। देखिए मैं ये URL आपसे शेयर कर दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और ये देखिए पेमेंट रिक्वेस्ट में क्या कोड होगा, ये पूरा हम देखेंगे, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये पूरी इसकी API है, पूरा इसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि डेमो आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा अच्छे से, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।